गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हमने संक्रमण तत्वों के आयनों के रंग पढ़े थे, डीडी संक्रमण पढ़ लिया था, वही डीडी संक्रमण कारण किस तरह से रंग आते हैं। दूसरा जो है रंग, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट के यौगिक या उसका आयन रंगीन दिखाई दे, उसका दूसरा जो वजह है वो है आवेश स्थानांतरण। डीडी संक्रमण क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अभी हमने ये बात की थी, कोई भी संतुल्य बनता है, कोई भी यौगिक बनता तो धातु आयन होती है, और धातु आयन के पास में लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड आता है, और वो लिगेंड जो है वो आएगा और उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए कोई भी यौगिक जो हो उसमें यौगिक में दो चीजें, एक तो हो गया धातु आयन और दूसरा हो गया लिगेंड, दूसरा हो गया लिगेंड। अभी लिगेंड क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा, बाद में हम डिटेल इसकी बात करेंगे। चलिए ये लिगेंड क्या होता है, धातु आयन, यानी अभी आप ये समझ लीजिए तो धातु आयन जब यौगिक बनाएगा, जैसे हमने अभी बात की TiH2O6 3+, तो इसमें TI जो है वो तो केंद्रीय धातु परमाणु और संक्रमण धातु, वो तो धातु आयन है TiH3, और उसके साथ जो जलकेणु जुड़े हुए हैं वो जलकेणु लिगेंड, वो क्या है लिगेंड। तो जब कोई भी यौगिक बनेगा तो धातु आयन होगी और लिगेंड होगा, तो धातु आयन के पास में क्या होंगे वो कक्षक होंगे, धातु आयन के पास में क्या होंगे कक्षक, कौन से कक्षक, द्विकक्षक है ही, ठीक है, और लिगेंड के पास भी क्या होंगे कक्षक होंगे। अब लिगेंड जैसे H2O है, एग्जांपल H2O, तो H2O के पास तो लिगेंड इसके कक्षक जो होंगे, क्योंकि अणु है तो इसके पास अणु भी कक्षक है, कोई परमाणु है तो परमाणु भी कक्षक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लिगेंड के पास भी क्या होंगे कक्षक होंगे और धातु आयन के पास भी क्या होंगे कक्षक होंगे। अभी हमने डीडी जो संक्रमण पढ़ा था उसको मैं एक बार देख लू, समझना कि डीडी संक्रमण पढ़ा था तो हमने धातु आयन के 5 कक्षक लिए थे और वो टूट गए थे, स्प्लिट हो गए थे, 3 नीचे और 2 ऊपर, वो 2 ऊपर थे वो भी धातु आयन के कक्षक थे, नीचे थे वो भी धातु आयन के कक्षक थे, यानी डीडी संक्रमण में धातु आयन के निचले वाले कक्षकों से धातु आयन के ऊपर वाले कक्षकों में क्या हो रहा था संक्रमण हो रहा था, वो डीडी संक्रमण था। अब हम बात कर रहे हैं सब धातु आयन के पास भी कक्षक है और लिगेंड के पास में क्या है कक्षक है, धातु आयन के पास रिक्त कक्षक है, डी कक्षक कैसे है रिक्त डी कक्षक, और इसके पास भी कक्षक है, इसके पास कैसे है भरे हुए कक्षक है, इसके पास कैसे कक्षक है भरे हुए कक्षक है। तो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से धातु आयन के रिक्त कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण हो सकता है, तो लिगेंड के कक्षकों से और धातु आयन के कक्षकों में जो संक्रमण होता है उसको हम कह रहे हैं आवेश स्थानांतरण। रिपीट कर देता हूं कि धातु आयन और लिगेंड के कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाता है, और उस संक्रमण के कारण जो रंग दिखाई देगा वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण रंग दिखाई देगा, और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण जो रंग दिखाई देता है वो टीडी संक्रमण के रंग से अधिक गहरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों होता है ये आपको अपने 3rd यूनिट में आपको समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धातु आयन के ऐसे धातु आयन, अब आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम होने के लिए हम अभी एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि धातु आयन के रिक्त डी कक्षक और लिगेंड के भरे हुए कक्षकों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये होना चाहिए लिगेंड के पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, तो धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, ठीक है पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल Cr
प्लस सिक्स एम एन प्लस सिक्स एम एन प्लस सेवन का बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है कि एम एन ओपो, इसमें एम एन जो है वो प्लस सेवन ऑपरेशन स्टेट में है, प्लस सेवन ऑपरेशन स्टेट में। जब एम एन प्लस सेवन ऑपरेशन स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर थ्री डी जीरो फोर एस जी, थ्री डी जीरो फोर एस। इसके डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें संक्रमण की संभावना नहीं, संक्रमण की संभावना नहीं है तो ये यौगिक रंगहीन होना चाहिए, ये यौगिक क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, लेकिन ये गहरे बैंगनी रंग का होगा। ये कैसे रंग का होता है, ये गहरे बैंगनी रंग का होता है, उसका कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, क्योंकि ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा डीसी डी में, डी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डीडी ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं है। अब इसमें जो संभावना है वो ये है कि लिगेंड के कक्षक जो है वो धातु आयन के खाली डी कक्षकों में क्या करें, संक्रमण करें, लिगेंड के कक्षकों के धातु आयन के खाली डी कक्षकों में संक्रमण होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीज को लिगेंड जो है ऑक्सीजन के कक्षकों से मैग्नीज के कक्षकों में जो है डी कक्षकों में संक्रमण होता है और उसको हम आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसी के कारण ये यौगिक गहरे बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो ये है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज की, संक्रमण तत्वों के द्विअंगी व संकुली युग्म, द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड्स, संकुली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी संक्रमण तत्व दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक तो है द्विअंगी युग्म यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स। क्या होते हैं देखिए, द्विअंगी का मतलब इसमें दो अंग होंगे यानी दो चीजें होंगी, एक संक्रमण धातु प्लस कोई एक, कोई एक और क्या होगा प्लस हो सकता है ऑक्सीजन, और या तो ऑक्सीजन ही होगा या हेलोजन, और दूसरा क्या होगा हेलोजन। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि संक्रमण धातु ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड या हैलाइड बनाते हैं, इन यौगिकों को हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि संक्रमण तत्व संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड और हैलाइड बनाते हैं, इन ऑक्साइड और हैलाइडों को हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जैसे स्क्रीनियम SC2O3, इसके लिए ये ऑक्साइड है, ये क्या है द्विअंगी यौगिक। MN3O4, ये क्या है, ये ऑक्साइड है इसका। MnCl5, ये इसका हैलाइड है। SCF3, ये इसका हैलाइड है। तो ये क्या है, द्विअंगी यौगिक है, यानी जिसमें दो ही अंग होंगे यानी दो ही प्रकार के परमाणु होंगे, वो एक संक्रमण धातु और एक दूसरा ऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड और दूसरा हेलोजन होगा तो हेलोजन। तो ये बहुत सारे जो है द्विअंगी यौगिक बनते हैं, इसमें से कुछ स्थायी होते हैं कुछ अस्थायी होते हैं, और स्थायित्व के लिए क्या कंडीशन है, तो पहली बात भाई कौन कौन से स्थायी होंगे उसके लिए स्थायित्व की क्या कंडीशन है, पहली बात कि वो कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रह सकते, सामान्य भौतिक अवस्था में रह सकते कमरे के ताप पर। पहली किसी भी यौगिक को हम स्थायी तब कहेंगे जब उसमें निम्न शर्तें हों, पहली शर्त में कह रहा हूं कि वो कमरे के ताप पर सामान्य भौतिक अवस्था में होना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, पहली बात के लिए, दूसरी बात
कि उसको वायु में खुला छोड़ने पर उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब उसको जैसे वायु में खुला छोड़ा उसका ऑक्सीकरण हो गया और कुछ और ही बन गया, तो वो स्थायी नहीं कहलाएगा। स्थायी कहलाने के लिए जरूरी है कि उसको वायु में खुला छोड़े तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो जलवाष्प के साथ जल अपघटित नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सब जैसे नमी को ग्रहण किया और नमी ग्रहण करते हुए जल अपघटित हो गया, नहीं। अगर कोई भी कंपाउंड को स्थायी हम तभी कहेंगे जब वो जलवाष्प के साथ जल अपघटित नहीं होता। सामान्य तौर पर जलवाष्प के साथ जल अपघटित नहीं होना चाहिए। चौथा, कि वो सामान्यता जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सामान्य ताप पर वो विघटित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब सामान्य ताप पर टूट गया विघटित हो गया तो हम उसको स्थायी नहीं कहेंगे। सामान्य ताप पर विघटित नहीं होगा तो ही हम उसको स्थायी कहेंगे। तो ये हमने तीन चार शर्तें बताई। एक था वो कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रहना चाहिए, जलवाष्प से जल विघटित नहीं होना चाहिए, वायु को खुला छोड़ने पर उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, और कमरे के ताप पर वो विघटित नहीं होना चाहिए तो हम उसको स्थायी कहेंगे। तो इसमें द्विअंगियों की बहुत सारे स्थायी हैं और बहुत सारे अस्थायी भी हैं। चलो अब हम बात करते हैं संतुलियों की। कितना संतुलियों की क्या होते हैं, लेकिन संतुलियों की क्या होते हैं ध्यान से सुनना है। कोई भी संक्रमण धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कोई ऐसा परमाणु हो सकता है, परमाणु जैसे फॉर एग्जांपल एफ सी एल बी आर, ये क्या है परमाणु से, या कोई परमाणुओं का समूह जैसे एच टू ओ जैसे एन एच थ्री, तो ये परमाणुओं का समूह है। तो कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह दो इलेक्ट्रॉन अकेला ही क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातु आयन को डोनेट करेगा और डोनेट करके ओपस है संयोजन बंध बनाता और उनसे जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ओपस है संयोजन बंध से बने हुए यौगिक ओपस है संयोजन यौगिक कहलाते हैं या संकुल यौगिक। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग दोबारा से सुनना, ध्यान देना, कि कोई भी संक्रमण धातु आयन है, ठीक है, उसको कोई परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, डोनेट का मतलब है दान, दो इलेक्ट्रॉन दान इसको करेगा, और दान करके जब कोई भी एक ही परमाणु दो इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं एक इसके बीच में मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं कि कोई भी बॉन्ड जो बनता है एक बंध वो दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ये परमाणु देता है तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है, साझे से दोनों का साझे से बनता है, एक सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यही परमाणु दे, ये कुछ भी नहीं थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है तो ये बंध उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो ये बात तो क्लियर है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु देगा तो उपसहसंयोजक बंध बनेगा। तो फिर रिपीट करता हूं, आप देखिए कि कोई भी संक्रमण धातु आयन है उसको कोई भी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार के बंधों से बने हुए यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। यानी किसी संक्रमण धातु आयन को कोई लिगेंड और ये जो मैंने बोले हैं परमाणु या परमाणु का समूह जो दो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लिगेंड कहते हैं। यानी कोई भी लिगेंड संक्रमण धातु आयन को दो इलेक्ट्रॉन देकर के उपसहसंयोजक बंध या संकुल यौगिक बनाता है। तो ये यौगिक क्या कहेंगे, संकुल यौगिक, ठीक है। संकुल यौगिक बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें क्या है वो देखिए। पहली, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर आवेश उच्च होना चाहिए। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा,
आकार छोटा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। तो आवेश उच्च और आकार छोटा होगा तो इंद्रिय परमाणु पर या संक्रमण धातु आयन का अपर आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। आवेश घनत्व बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आसानी से ग्रहण कर लेगा, आसानी से ग्रहण कर लेगा तो उपसंयोजन जल बंध आसानी से बनेगा, और आसानी से बनेगा तो संकुल यौगिक आसानी से बनेगा, और वो जो बनेगा वो स्थायी। तो कोई भी संकुल यौगिक बनने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास उच्च आवेश और उसका आकार छोटा होना चाहिए, और लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देकर के उपसंयोजन बंध से संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अभी संकुल यौगिक क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इसके लिए तो अपन थर्ड यूनिट जो है पूरा, जिसका नाम ही उपसंयोजन यौगिक है या संकुल यौगिक है, उसमें हम इसके डिटेल से बात करेंगे। तो संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।